जैसे हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार डबल इंजन वाली है, ऐसे भी डबल इंजन की हो जाएगी, आगे इलेक्ट्रिक इंजन हो गया, मतलब हाइब्रिड जिसे कहते हैं दोस्तों, हाइब्रिड हो जाएगी, है ना। तो हाइब्रिड हमने साइकिल बनाई है, इसका नाम इसका। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल यूनिवर्सल थिंक पर। दोस्तों मैंने अपने चैनल पे आपको काफ़ी ज़्यादा चीज़ दिखाई है, इलेक्ट्रिक स्कूटी दिखाई है, इलेक्ट्रिक कार दिखाई है, है ना। ऐसे ही आज मैं आपके सामने लेके आ चुका हूँ 24 इंची में एक इलेक्ट्रिक साइकिल जो कि हम मोटर लगाए। सब पूछते हैं कि भैया इलेक्ट्रिक जो हम पे 24 इंची साइकिल है, 22 इंची सिंपल साइकिल है, उसमें हम मोटर लग जाता है। देखो दोस्तों मैंने लगा रखा है, सामने देख सकते हैं, इसका पूरा रिव्यू मैं आज दिखाऊंगा और बताऊंगा कि ये आप कैसे लगा सकते हो अपनी साइकिल में। क्योंकि जो हम मोटर होता है वो 36 स्पोक रिम होता है और ये 36 स्पोक रिम में ही लगता है, लेकिन जो हमारी बड़ी साइकिल होती है उसमें दिक्कत ये होती है कि वो 40 स्पोक का रिम होता है, क्योंकि उसमें जो रिम है ये 40 स्पोक का रिम है। तो आप पूछोगे भैया हाउ टू पॉसिबल इन फिट 36 स्पोक हम मोटर 40 स्पोक रिम, है ना। तो 40 स्पोक रिम में जो है आप 36 स्पोक का हम मोटर कैसे फिक्स कर सकते हैं, तो इसकी सारी जानकारी मैं दूंगा। लेकिन दोस्तों मैं जानकारी ही देता रहूंगा, आप सब्सक्राइब करते नहीं तो फिर कहाँ की जानकारी दूंगा मैं। तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो पहले, ठीक है दोस्तों, क्योंकि सब्सक्राइब करने तो होगा ये। मैं बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आता रहूंगा आपके पास, और एक इलेक्ट्रिक कार बना रहा हूं, मतलब सारी चीज़ की वीडियो लेकर आऊंगा। तो सब्सक्राइब करने से ये होगा कि उसका नोटिफिकेशन कि मैंने वीडियो डाल दी है वो आपके सब मोबाइल पर सबसे पहले आ जाएगी, है ना। लेकिन दोस्तों यदि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करोगे तो यार मैं कितने भी वीडियो बनाता रहा उसका कुछ फायदा नहीं है, है ना। तो यार प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना। और एक चीज़, मुझे दरवाजे पर ही रोक लिया जाता है, भला एक सब्सक्राइब से आपका क्या जाता है। तो चलते हैं मुद्दे पर दोस्तों। जो ये हमारी साइकिल है ये एक सिंपल साइकिल है, आप देख सकते हैं इसका लुक, दिखाइए पहले दूर से, अच्छी तरह दूर से दिखाइए, दूर से दोस्तों ना, ये पूरा सिंपल साइकिल है एक, जो कि नॉर्मल जिसे कहते हैं ना 24 इंची वो साइकिल है। और दोस्तों मैं बता रहा था इसमें जो सामने आप रिम देख रहे हैं ना वो 40 स्पोक रिम है, लेकिन इसमें मैंने 36 स्पोक का हम मोटर फिट किया है। वो कैसे पॉसिबल है, देखिए दोस्तों जो ये रिम है ना इसकी मैन्युफैक्चरिंग मैंने घर पे ही करी है ना। तो जब घर पे करी थी हुआ ये था कि मैंने इसकी जो होल थे 40 होल थे वो मैंने बिल्कुल बंद कर दिए थे, ठीक है। तो मुझे मिला एक नया रिम बिल्कुल जो फ्रेश था। अब मेरी मर्जी है उसे 36 स्पोक में बदलूँ या 40 स्पोक में बदलूँ, क्योंकि मुझे ज़रूरत थी 40 स्पोक हम मोटर में लगाने के लिए। तो मैंने इस पर 36 स्पोक कर लिए अपने हिसाब से, कैलकुलेट करके अच्छे तरीके से। आप घर पर ट्राई मत करना क्योंकि दोस्तों आप रिम ख़राब कर लोगे, होगा नहीं आपसे, है ना। तो मैंने ये हम मोटर इसमें फिक्स कर दिया। तो आपकी जो कह रही थी ना कि भैया 24 इंची साइकिल में नहीं लगता, दोस्तों थारे भाई ने यूनिवर्सल थिंक ने करके दिखाया, और कोई और करके दिखा दो। आज मेरे से जो है आगे की बात आगे करेंगे, ठीक है। इसमें एक बैटरी लगाई है और सारी चीज़ का हम मोटर का मैंने इसमें फिक्स किया है अच्छे तरीके से, आप देख सकते हैं, मतलब यार इसमें कुछ बताने वाली बात नहीं है, है ना। जो 24 वोल्ट इसमें जो है, जो मैंने हम मोटर लगाई है वो लगाई है इसमें मैंने 24 वोल्ट 350 वाट की, है ना। एक हम मोटर है और किस कंपनी की है, वेंडियो कंपनी की हम मोटर है। इसमें थ्रोटल रोटल सब उसके लगाए हैं, क्योंकि सब ये दिक्कत होती है कि सब कहते थे कि भैया ये काम कैसे करेंगे, तो इसमें सब वही है, फिक्शन विक्शन सब चीज़ वही है जो नॉर्मल आप उसमें लगाते हो, रेंजर साइकिल में लगाते हैं, है ना। देखो यहाँ पे आपको डिस्प्ले स्क्रीन मिल जाएगी, है ना, ये डिस्प्ले आपको स्क्रीन मिल जाएगी जिसमें आप देख सकते हो कि आपकी बैटरी कितनी बची हुई है, है ना, ये आप सब चीज़ देख सकते हैं। और इसकी मैंने ये बैटरी लगाई है क्योंकि ये मुझ पर ऑर्डर पर आई थी। और दोस्तों आपकी एक क्वेरी रहती है कि भैया असेंबल करके दिखाओ। देखो दोस्तों मैं आपको बताऊं, मुझ पर इतना समय नहीं होता यार कि मैं मतलब असेंबल करते हुए वीडियो बना दूं, लेकिन हाँ मैं डालूंगा, वीडियो डालूंगा। और ये आप बैटरी देख रहे हैं, मैं लिथियम बैटरी में डील करता हूँ, आपको पहले पता होगा मैं लिथियम बैटरी में डील करता हूँ, उसके अलावा किसी चीज़ में लेड एसिड बैटरी में डील नहीं करता। क्योंकि यदि आप किस कोई भी इलेक्ट्रिक व्हीकल ले रहे हो ना, तो दोस्तों उसकी जो जान होती है ना, उसकी जो पावर होती है वो इलेक्ट्रिक नहीं, उसकी वो होती है पावर लिथियम बैटरी, है ना। तो इसमें लिथियम बैटरी मैंने लगाई है जो एक बार चार्जिंग पे लगभग 100 किलोमीटर के प्लस चलेगी, है ना, झूठ बोलना आता नहीं भाई, 100 किलोमीटर के प्लस चलेगी। देखो मैंने इसमें चार्जिंग सॉकेट भी दिया है, दिखाओ, चार्जिंग सॉकेट दिया है और ये पूरी तरीके से कवर्ड है इस पर। इसमें कोई भी ऐसा झंझट आपको नहीं देखने को मिलेगा कि भाई इसमें कोई भी झंझट ऐसा नहीं देखने को मिलेगा कि भाई इसमें कोई तार की दिक्कत हो या और किसी चीज़ की दिक्कत हो। आगे एक हेडलाइट भी दी है, देखो, है ना, अभी चला के भी दिखाऊंगा। लेकिन दोस्तों उससे पहले अच्छी बात, अच्छी चीज़ ये है कि मैं आपको अच्छी तरीके से दिखा दूँ। देखो ये हॉर्न इसके पीछे दे, ये हॉर्न इसके पीछे ही दे रखा है, और ये लाइट तो भाई भाई, है ना। तो भाई लाइट, और लाइट में भी अच्छी चीज़ ये है, आप अपने आगे पीछे कर सकते हैं अपने हिसाब से, है ना। और देखो दोस्तों ये हम मोटर का मैंने बता ही दिया है। तो आपका क्वेश्चन है कि आप भी बनाना चाह रहे हो, आप बहुत देर से सोच रहे हो भाई इसके बारे में बताएगा, हमें बता दें कि आप कैसे बताना चाह रहे हो।
जो इसकी स्पीड होने वाली है दोस्तों, वो स्पीड है इसकी 38 किलोमीटर प्रति आवर। मैं उसे 40 भी कह सकता था, लेकिन दोस्तों मैंने स्वयं इसकी नापी है ना, अच्छी तरीके से नापी थी, तो वो 38, 37 जा रही थी। तो जो इसकी स्पीड है वो 37, 38 किलोमीटर प्रति आवर है। जो इसकी लोड कैपेसिटी है वो इतनी लोड कैपेसिटी है कि मैं लगभग 73 kg का हूँ, और मेरा दोस्त था वो भी 70 kg का था, और मेरा एक दोस्त और था वो 65 kg था, है ना। हम तीनों इस पर बैठे थे तो भी ये चल रही थी, तो आप देख सकते हैं अपने हिसाब से कि इसकी लोड कैपेसिटी कितनी हो सकती है। हम तीन बंदे भी इस पर बैठ के चल रहे थे, लेकिन मेरा ओपिनियन ये रहेगा कि आप दो ही बंदे बैठाओ, है ना। और इसकी जो सबसे खास बात ये है कि दोस्तों आप इसे आगे मैंने हब मोटर सीट लिए दिया है ताकि इसका पीछे का मैकेनिज्म खराब ना हो जाए, इसलिए आप इसे पैंडल से भी चला सकते हैं, है ना। तो पैंडल से चलाने में इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी, बहुत ही स्मूथ चलेगी जैसे चलती है, कोई हार्ड नहीं चलेगी। और दोस्तों ये तो आगे से है ही, देखिए दोस्तों इसकी स्पीड भी काफ़ी अच्छी खासी है, है ना दोस्तों। आप देख सकते हैं सामने से दिखाने के बाद बिल्कुल भी लहक नहीं है, 1% इसमें बिल्कुल भी 1% भी लहक नहीं है कि, है ना दोस्तों। ये पॉसिबल तभी था जब हमने 40 स्पोक रिम था उसे 36 स्पोक रिम में कन्वर्ट कर दिया, है ना। तो यदि आप ऐसी बनाना चाहते हैं तो मेरे चैनल को विजिट कर सकते हैं, उस पर से आप इलेक्ट्रिक साइकिल किट ले सकते हैं, और मैं आपको बताऊंगा, मैं अपना नंबर जो है अपने स्क्रीन पे दे दूंगा आपको, लास्ट में दे दूंगा। और जैसे यदि आप ये बनाना चाहते हैं तो आप मुझसे किट परचेस कर सकते हैं। जो मेरे पे किट है वो हब मोटर किट भी है, गियर मोटर किट भी है। आपका क्वेश्चन ये भी होता है कि गियर मोटर किट इसमें लग जाएगी, देखो अब तो मैंने ऐसे इलाज ढूंढ दिया कि हब मोटर भी किसी में लग जाएगी और गियर मोटर किट भी किसी में लग जाएगी, है ना। तो वो आपकी चॉइस की बात है कि आप हब मोटर इसमें लगाते हैं गियर मोटर। अगर मेरा ओपिनियन लोगे तो आप हब मोटर लगाना, क्योंकि हब मोटर में लगाने में इतनी परेशानी नहीं होती, और ये बिल्कुल सिंपल लुक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं ना इसमें कि इसका मेंटेनेंस ज़्यादा है। कंट्रोलर और बैटरी मैंने इसमें रखी है, बैटरी भी अच्छे, बैटरी 24 वोल्ट की है ना, 24 वोल्ट 20 एम्पीयर की बैटरी है जो कि 100 किलोमीटर से ज़्यादा चलती है। और इसमें और क्या, और दोस्तों अब चला के दिखाता हूँ आपको, है ना। तो दोस्तों ये हटा देते हैं, दोस्तों यहाँ से देखो स्टार्ट हमने कर लिया, और भाई इसमें दे देना चल दिए। दोस्तों एक चीज़ बताऊँ, रियली बता रहा हूँ, मैंने ये बनाई है खुद, और इसे मैंने अभी ट्राई किया है, मतलब अभी या तो चला के ला रहा था, छोटा भाई ला रहा था, और इसे मैंने अभी चला के देखा है। यार यकीन मानना, चलते हुए बिल्कुल स्मूथ है, मतलब इतनी स्मूथ है मतलब यार हद ही है बिल्कुल, ठीक है। तो दोस्तों यदि आप ये बनाना चाहते हैं तो भाई अपने भाई आशीष से संपर्क करें, और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना। यदि ये किट चाहिए अपने में असेंबल करानी है, या एक काम और स्टार्ट कर दिया है दोस्तों मैंने, यदि आपको ये बनी बनाई भी चाहिए ना, तो मेरे जो मैं रहता हूँ मेरठ में रहता हूँ, है ना, उत्तर प्रदेश में एक जिला है मेरठ, उसमें रहता हूँ। आप मेरे घर पे भी आगे परचेज कर सकते हैं, और आप क्या कर सकते हैं, आप जो है किट मंगा के अपनी साइकिल में असेंबल करा सकते हैं। और हाँ, आप इंडिया में कहीं से भी हो, यदि आपको ये साइकिल चाहिए तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मैं बाय कोरियर भेज दूंगा, पूरी साइकिल ही भेज दूंगा, है ना। लेकिन उसमें दिक्कत थोड़ा सा ये रहता है दोस्तों कि जो ख़राब हो जाता है, मतलब कुछ दिक्कत नहीं हो जाए उसमें भेजने में कोरियर में, क्योंकि दोस्तों ध्यान नहीं रह पाता। तो दोस्तों यदि इतने, और दोस्तों इसका प्राइस बताऊँ मैं कितना, इसका प्राइस है लगभग बहुत ही कम प्राइस है, आप मेरे चैनल पर पूछ लेना, है ना, ऐसे सबके सामने, क्योंकि रेट घटते बढ़ते रहते हैं। यदि ये वीडियो को एक साल बाद देखेगा तो वो मुझसे ये कहेगा कि आपने तब तो इतने बताए थे, है ना। तो उसकी मैं, आप मेरे जो व्हाट्सअप कर देना, उस पर मैं सारी जानकारी दे दूंगा। और दोस्तों ये एक चीज़ और कर लेना, मेरे चैनल पर सब्सक्राइब कर लेना, है ना, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और कुछ रह गया है, हाँ, हब मोटर किट कैसे मंगा सकते हैं, कोरियर से मंगा सकते हैं, या मेरे घर पे आके ले सकते हैं। कोरियर से कैसे, कोरियर से मंगाने के लिए आपको अपना मुझे एड्रेस, पिन नंबर, दो फोन नंबर, अपना नेम मुझे सेंड करना होगा, और मैं इसके बारे में बताऊंगा। और भाई यकीन मानना यार, अगर ये ले ली ना तो भाई वास्तव में मौज जा इसमें, मतलब कुछ करने वाली दिक्कत ही नहीं है भाई, हाथ में दे रखी है ना, देखो दिखाता एक बार, देखो दोस्तों 1% भी, और इसे देखो अभी तो मैंने उससे चलाई थी, अब मैं इसे बंद कर देता हूँ, पैंडल से भी चला सकता हूँ, पैंडल से भी बड़ी स्मूथ चलेगी, देखो पैंडल से भी काफ़ी। और देखो दोस्तों अगर मैं इसे स्टार्ट करके चलाऊँ तो इसका पिकअप देखूँगा, पिकअप भी काफ़ी अच्छा खासा है ना, पिकअप काफ़ी अच्छा खासा होने वाला है इसका।
एक शायद एक आपकी क्वेरी ये भी हो सकती है कि भैया इसे हम मोटर को पीछे नहीं लगा सकते। देखो लगा सकते हैं, लेकिन जो सबसे अच्छा है ना वो आगे लगाओ, क्योंकि पीछे का मैकेनिज्म खराब नहीं होगा, है ना, और ना लोड पड़ेगा। और एक चीज़ और है, जैसे हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार डबल इंजन वाली है, ऐसे भी डबल इंजन की हो जाएगी, आगे इलेक्ट्रिक इंजन हो गया, मतलब हाइब्रिड जिसे कहते हैं दोस्तों, हाइब्रिड हो जाएगी, है ना। तो हाइब्रिड हमने साइकिल बनाई है, इसका नाम, इसका थंबनेल भी हाइब्रिड के नाम से लगाऊंगा, ठीक है। और दोस्तों यार मेरा चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं करोगे ना तो नींद नहीं आएगी रात को। ओके दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद। मैं चाहता हूँ आपका परिवार और आप स्वस्थ रहे, सुखी रहे और मौज में रहे। और आज क्रिसमस डे भी है, हालांकि हमारी संस्कृति में नहीं है क्रिसमस डे, आज अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती है। तो आप सभी देशवासियों को अटल बिहारी जयंती पर मेरा शत शत नमन, कोटि कोटि प्रणाम। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद।